A 54-year-old female patient, a known case of diabetes mellitus on insulin therapy, was brought in emergency department with complaints of sweating, palpitation and dizziness. There is history of fever and decreased appetite since 2 days. What could be the probable diagnosis? तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो क्लिनिकल सिचुएशन है इसका डायग्नोसिस आपने बनाया होगा, और अगर इसका डायग्नोसिस आपको पता नहीं है तो आज का जो वीडियो है वो आपने ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया ये एक ऐसी कंडीशन है जो हम अगर प्रॉपरली टाइम पे डिटेक्ट कर सके तो हम इसे आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, और इसे अगर हमने मिस कर दिया तो पेशेंट का जो ब्रेन है उसका परमानेंट डैमेज हो सकता है या पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप आखिर तक ज़रूर देखिए, और ये चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, फंडा क्लिनिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सौरभ, और चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया हम तब कहते हैं जब हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 70 मिलीग्राम डेसीलीटर से नीचे चला जाता है। तो दोस्तों, ये जो लेवल है वो वीनस ब्लड ग्लूकोज की है। हम नॉर्मली जो ग्लूकोमीटर से जो कैपिलरी ब्लड टेस्ट करते हैं उसकी ये लेवल नहीं है। तो जो वीनस ब्लड ग्लूकोज है वो अगर 70 के नीचे चला गया तो इसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाइपोग्लाइसीमिया के संबंध में एक विप्पल्स ट्रायड डिफाइन किया गया है। विप्पल नाम का एक सर्जन था जिसने ये एक ट्रायड डिफाइन किया है, जो उसने इंसुलिनोमा के लिए डिफाइन किया है, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया का डायग्नोसिस या डिफाइन करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और विप्पल्स ट्रायड में 3 चीज़ें आती है। पहला तो ये है कि सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया के जो सिम्टम्स है वो होने चाहिए। दूसरा जो है, जब हम उसे ब्लड ग्लूकोज लेवल हम टेस्ट करते हैं तो वो लो होनी चाहिए। हमारी जो नॉर्मल वीनस ब्लड ग्लूकोज लेवल जो डिफाइन की गई है, जैसे 70, उसके नीचे ब्लड ग्लूकोज लेवल होनी चाहिए। और तीसरा इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ सिम्टम्स ऑन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज, मतलब जब हम पेशेंट की ट्रीटमेंट करेंगे और उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाएगा तो उसके जो हाइपोग्लाइसीमिया से रिलेटेड जो सिम्टम्स है वो इम्प्रूव होने चाहिए। दोस्तों, अब ये जो विप्पल्स ट्रायड है इसका इम्पोर्टेंस क्या है? उसका इम्पोर्टेंस ऐसा है कि हाइपोग्लाइसीमिया के जो भी सिम्टम्स है वो बहुत सारे दूसरी क्लिनिकल कंडीशंस के साथ कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो वो जो सिम्टम्स है वो एग्जैक्टली हाइपोग्लाइसीमिया के ही कारण है या दूसरे कोई कंडीशन के कारण है, वो समझने के लिए फिर विप्पल्स ट्रायड डिफाइन किया गया है। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में एक क्लिनिकल केस बताई थी, उसमें जो पेशेंट है उसको पाल्पिटेशंस भी बोला गया था। तो पाल्पिटेशंस कुछ दूसरे हार्ट की कंडीशंस में भी हो सकते हैं। पेशेंट को डिजीनेस भी था, तो पेशेंट को अगर कोई ब्रेन का दूसरा डिसीज़ है, अगर स्ट्रोक डेवलप हो रहा है तो उसमें भी पेशेंट को डिजीनेस हो सकता है, या कोई हार्ट की कंडीशंस में भी पेशेंट को डिजीनेस हो सकता है। और ये जो सिम्टम्स है ये हाइपोग्लाइसीमिया में भी दिखते हैं। तो वो जो पेशेंट है उसमें अगर हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स है, उसका हमने वीनस ब्लड ग्लूकोज अगर टेस्ट किया तो वो नॉर्मल लेवल से कम है, और उसके अगर सिम्टम्स ग्लूकोज देने के बाद अगर इम्प्रूव हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया के कारण कौन से सिम्टम्स डेवलप होते हैं। हमें अगर हाइपोग्लाइसीमिया डिटेक्ट करना है
तो उसके सिम्टम्स हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हाइपोग्लाइसीमिया के जो सिम्टम्स है वो दो इसमें डिवाइड किए जाते हैं, पहला रहता है ऑटोनॉमिक और दूसरा रहता है न्यूरोग्लाइकोपेनिक। जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाती है तो ऑटोनॉमिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और उसके कारण फिर कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं, उसे कहते हैं ऑटोनॉमिक सिम्टम्स। तो पहले इसमें आता है हंगर, हमें भूख लगती है, ये सब हम सब लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है। अगर हमें खाना प्रॉपर टाइम पे नहीं मिला तो फिर हमें एंजाइटी होना शुरू हो जाता है, फिर पसीना भी आता है, फिर कभी कभी ट्रेमर्स यानी हाथ पैर में कपकपी आती है, फिर हार्ट रेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है और कभी कभी हाथ पैर में पैरस्थीसिया मतलब मूंगी जैसा भी आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है ये इसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जैसे ही ग्लूकोज कम होता है तो हमारा जो लीवर है उसमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, मतलब लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर किया गया है उसे ब्रेक करके उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, या उसके साथ फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस ये प्रोसेस भी शुरू हो जाती है, मतलब जो अमाइनो एसिड्स है और लिपिड्स है उनको फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू हो जाता है। तो ये होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कारण। अगर ये जो प्रोसेस है ये चालू होने के बावजूद भी अगर पेशेंट को हम ग्लूकोज नहीं दे पाए और बॉडी में का जो ग्लूकोज है वो कम होना शुरू हो गया तो फिर न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। हमारा जो ब्रेन है उसमें जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट के लिए या एक से दो मिनट के लिए ब्रेन को ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो ब्रेन है वो पूरा का पूरा जो लीवर है लीवर में से जो ये जो प्रोसीजर्स है ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस इस पे ही जो ब्रेन है वो डिपेंड रहता है, और उसको अगर टाइम पे ग्लूकोज नहीं मिला तो फिर न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो वो क्या रहते हैं, ब्लर्ड विजन, दिखना हमारा कम हो जाता है, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग एंड थिंकिंग मतलब हम बात करने में सोचने में हमारी जो पावर है वो कम हो जाती है, हमें चक्कर जैसा आने लगता है, कन्फ्यूजन होने लगता है, उसके बाद डिजीनेस होने लगता है मतलब चक्कर आने लगती है, फिर ड्राउजीनेस हमें नींद आ सकती है, बहुत ज़्यादा अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गई तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है या उसे कन्वल्जन्स यानी झटके भी आ सकते हैं। तो दोस्तों अब ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो उसके हिसाब से ये जो सिम्टम्स है वो आते हैं। तो जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 के नीचे जाना शुरू हो जाता है तो हमें भूख लगना शुरू हो जाता है, जैसे ही 60 के नीचे ये लेवल आना शुरू हो जाता है तो हमें फिर बाकी के जो ऑटोनॉमिक सिम्टम्स है वो आने लगते हैं, फिर जैसे ही जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 50 के नीचे जाना शुरू हो जाता है तो फिर न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स आते हैं। डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ये जब ब्लड ग्लूकोज की जो लेवल है वो 40 तक आती है या उसके नीचे आती है तो डिजीनेस और ड्राउजीनेस होना शुरू हो जाता है, 30 के नीचे जाती है तो पेशेंट कोमा में जा सकता है, और अगर 20 के नीचे जाती है तो पेशेंट को झटके आ सकते हैं या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो हाइपोग्लाइसीमिया के जो सिम्टम्स है इसका ज्ञान हमें होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसके कारण ही हम पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया डिटेक्ट कर सकेंगे। तो दोस्तों अब ये जो हाइपोग्लाइसीमिया के जो सिम्टम्स है वो देखने के बाद हम ये देखते हैं कि इसके कॉजेस क्या रहते हैं।